हेलो एवरीवन, सुबह की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और हेल्दी चीला, जो कि बहुत ही खाने में लाजवाब होती है। और देख सकते हैं कितने सॉफ्ट बने हैं। आप इसे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं, टी टाइम स्नैक्स के रूप में ले सकते हैं और बच्चे लोग को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। बहुत ही कम तेल में बन करके तैयार होता है ये हेल्दी चीला। और बहुत सारी सब्जियां हमने इसमें ऐड की है, जिससे कि बहुत ही हेल्दी बने हैं। आप इसे वेट लॉस में भी बना करके खा सकते हैं। तो इसे हमने किस तरह से बनाया है, हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, तो चलिए वीडियो को देख लेते हैं। तो ओट्स चीला बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिया है 1 कप बेसन और 1/2 कप हमने ओट्स लिया है। ओट्स को हमने मिक्सी के जार में पीस लिया था, जिससे कि ये बारीक हो गए हैं। और साथ ही साथ 1/2 कप हमने सूजी लिया है, जिससे कि बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं ये चीला। और साथ ही साथ हमने 4 बड़े चम्मच दही लिया है। और सब्जियों में मैंने लिया है 1 कटोरी शिमला मिर्च, जिसे हमने बारीक चॉप कर लिया है। साथ ही साथ 1 कटोरी खीरा को हमने कद्दूकस कर लिया है। आप चाहे तो इसे छोटे छोटे टुकड़ों में भी कट कर सकते हैं। साथ ही साथ 1 कटोरी हमने गाजर कद्दूकस कर लिया है। और 1/2 कटोरी हमने छोटे छोटे पीसेस में टमाटर को बारीक काट लिया है, ये बिल्कुल पके हुए टमाटर थे। और 1/2 कटोरी हम धनिया पत्ती लेंगे। और साथ ही हरी मिर्च को हमने बारीक काट लिया है, 3 से 4 हरी मिर्च थे, उसे भी हमने बारीक काट लिया है। और सबसे पहले हम लेंगे एक बड़ा सा बाउल और बाउल में हम डालेंगे सबसे पहले बेसन, साथ ही साथ इसमें हम ओट्स भी ऐड कर देंगे और साथ ही साथ सूजी भी मिला देंगे। अब इसमें हम हरी सब्जियां ऐड कर देंगे, जैसे कि गाजर, शिमला मिर्च, टमाटर, धनिया पत्ती, खीरा, हरी मिर्च, सारी सब्जियों को हम ऐड कर देंगे। अब इसमें मिला देंगे हम दही। तो आप दही की मात्रा अपने मनपसंद की बढ़ा घटा सकते हैं, या तो दही नहीं है, आप इसमें पानी ही ऐड कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे, जिससे कि जो चीला है बहुत ही चटपटी बनेंगे। तो मसालों मैंने लिया है सबसे पहले 1/2 चम्मच पिज्जा मिक्स, पिज्जा मिक्स की जगह पर आप गर्म मसाला का ऐड कर सकते हैं। और साथ ही साथ काली मिर्च पाउडर लेंगे हम 1/2 चम्मच, चाट मसाला लेंगे हम 1/2 चम्मच, गरम मसाला मैंने लिया है 1/2 चम्मच, और लाल मिर्च पाउडर लेंगे हम 1/2 चम्मच, नमक लेंगे हम स्वाद अनुसार। अब हम सभी मसालों को अच्छे से सब्जियों में मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने सभी मसालों को सब्जियों और ओट्स में मिक्स कर लिया है। अब इस पे हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, एक बार में हम ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका अच्छा सा पतला बैटर तैयार करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं कि जो हमने इसमें पानी डाला है, उससे अच्छे से ये घोल तैयार हो चुका है। तो इस तरह से हमें क्वांटिटी चाहिए। और अभी इसे हम 10 मिनट के लिए कवर कर देंगे, ताकि इसमें हमने जो सूजी डाला है, ओट्स डाला है, वो थोड़ा सा फूल जाए और जो चीला है बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। तो 10 मिनट के लिए हमने इसे कवर करके छोड़ दिया है। तो 10 मिनट के बाद इसे हम चेक कर लेंगे। तो देख सकते हैं कि थोड़ा सा हमें ये बैटर गाढ़ा लग रहा था, तो इसलिए हमने इसमें 2 से 3 चम्मच पानी ऐड किया है। और अभी इसे हम मिक्स कर लेंगे। जब हमने पानी डाला है तो इसे अच्छे से अंदर से मिक्स कर लेंगे। 1 स्पून की हेल्प से हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब चलते हैं गैस की ओर। तो सबसे पहले हम गैस ऑन करके एक तवा चढ़ाएंगे और तवा पर हम डालेंगे 2 चम्मच कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे। अब इसमें हम बैटर डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर 2 बड़े चम्मच बैटर डाला है। और बैटर डालने के बाद जिस तरह से हम डोसा को फैलाते हैं ना पूरे तवे पर, उसी तरह से हमें इसे फैला देना है। और इसे हमें ज़्यादा पतला नहीं करना है, थोड़ा सा हमें इसे मोटा ही रखना है, ताकि पलटने में आसानी हो। तो इस तरह से हमने इसे फैला दिया है और 2 मिनट के बाद इसे हम पलट देंगे। तो इस तरह से देखिए, हमने 2 मिनट के बाद इसे पलट दिया था। और गैस का फ्लेम हमने बिल्कुल स्लो रखा है, ताकि स्लो गैस पर ही अच्छे से कुक भी हो जाए और अंदर से क्रिस्पी भी बने। 2 मिनट के बाद इसे हम पलट देंगे और इसके बाद देख सकते हैं कि दोनों तरफ से हम इसे गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेंगे। तो यहाँ पर दोनों तरफ से जो हमारे नाश्ते हैं, वो क्रिस्पी हो गए हैं। देख सकते हैं कि अच्छे से पक भी गए हैं और ये बहुत ही क्रिस्पी बने हैं किनारे किनारे से, देख सकते हैं। तो इसी तरह से हम दूसरा भी चीला बना लेंगे। तो यहाँ देखिए, हमारे जो चीला है वो बन करके तैयार है। तो इसे आप हरी चटनी के साथ खाइए या टमाटो सॉस के साथ खाइए, चाय के साथ भी बहुत यम्मी लगते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फैमिली मेम्बर दोस्तों में शेयर कीजिए, बेल आइकन का घंटी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।
Thank you.